बार त्योहारों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन का ऐसा करने का मकसद भीड़ एकत्रित ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी को फैलाने से रोकने का मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना महामारी के चलते इस बार श्रीनगर के श्री रघुनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पाबंदियों में रहकर मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की झांकी नहीं निकाली जाएगी। धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रधान मुबारक सिंह ने कहा कि महामारी के कारण सरकार और प्रशासन के गाइडलाइन के मद्देनजर शोभा यात्रा के कार्यक्रम को टाल दिया गया। वहीं रघुनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धालु के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। ट्रस्ट की ओर से अपने स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। बताते चले कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन आने वाले मंदिरों में भी जन्माष्टमी पर नियमित पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहेगा। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रघुनाथ मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार मंदिर परिसर में आने पर पाबंदी रखी गई। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार घर में ही पूजा अर्चना करके मनाएं और कोरोना महामारी से निजात पाने की प्रार्थना करें। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन यथा, कलौ दोषे निदे राजन अस्थिरेको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। आज के दिन को भगवान के अवतार लेने का दिन कहा जाता है। यह इस दिन भगवान इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, जिससे बुराइयां दूर होती हैं और अच्छाइयां बढ़ जाती हैं। सुख ज़्यादा सुख आता है और दुख चला जाता है, अंधेरा चला जाता है और रोशनी आ जाती है। तो हमें बताइए, जो कोविड-19 जो इस बार हुआ, तो कितना यहाँ पर सफ़र हुआ है, लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। लगभग हम तो जब से ये 317 हटा है, तो तब से लेकर आज तक जो है हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो पहले हम जुलूस वगैरह झांकी वगैरह निकालते थे, तो बहुत सफ़र कर रहे हैं और यही समझते हैं कि ये हमारी गुनाहों की सज़ा है, ये हमारे पाप कर्मों की सज़ा है। तो जब तक हम भगवान के रास्ते पर ठीक ढंग से नहीं चलेंगे, भगवान का जो कानून है, भगवान के जो नियम है, अगर हम उन पर नहीं चलेंगे तो फिर हमें सफ़र करना पड़ेगा। अगर हम उनके आगे ईमान लाते हैं, जैसे उनका कानून है, अगर उस पर हम चलते हैं तो वो खुश हो जाएंगे और सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आगे का समय अच्छा होगा। कोरोना वायरस के लिए क्या मैसेज होगी लोगों के लिए, क्या क्या कुछ उनको करना चाहिए ताकि वो बचे और ऐसे इवेंट्स में कवर आ जाए और पूजा करें यहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवान के नियम हैं उन पर उन नियमों का पालन करें, भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सत्ता को माने, उनका भजन कीर्तन करें, तो अपने आप ही कोविड कोई मसला नहीं है। जैसे ये होता है ना, वर्ल्ड वार होता है, जंग होती है, एक मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा जो है, सारे लड़ाई झगड़े की फसाद ही यही है कि हम भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो जब हम भगवान की सत्ता को मानेंगे और उनके असूलों पर चलेंगे तो अपने आप झगड़ा ख़त्म हो जाएंगे, हम आपस में बाय बाय है और हम सब उसकी संतान हैं। हम सब उस जिस तरह एक बाप के बच्चे होते हैं, इसी तरह सबसे बड़े पिता तो हमारे भगवान हैं। कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहा अधिकार। तो जब हम भगवान की सत्ता को मानेंगे, उनके असूलों पर चलेंगे, जैसे गवर्नमेंट के कानून होते हैं, जब अगर हम गवर्नमेंट के कानून नहीं मानेंगे तो हमें जेल हो सकती है, इसी तरह अगर हम भगवान के कानून नहीं मानेंगे तो हम दुख उठाएंगे। तो भगवान के कानून को मानना है, सरकार के जिस तरह सरकार के कानून को हम मानते हैं, इस तरह भगवान के कानूनों को भी हमने मानना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, भगवान की सत्ता को मानना है, तो भगवान को खुश करना है और हम उनकी संतान हैं, वो हमें आशीर्वाद देंगे और सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। सर अपना नाम बताइए और आप कहाँ पर रहते हैं? मेरा पति पवन चैतन्य दास, हम मैसमा रहते हैं, तो और श्रीनगर जो कश्मीर भूमि है। हाँ जी, तो हमें ये बताइए कि आज के इस इवेंट के बारे में बताइए। आज का इवेंट जो है भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान आज के दिन प्रकट होते हैं। अपना उन्होंने भगवद्गीता में वचन दिया था कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तक मैं अवतार लूँगा। तो भगवान आज के दिन हर वर्ष ही ये दिन हम इसी उपलक्ष्य में बनाते हैं कि भगवान इस धरती पर कृपा बनाए
और यहाँ के दुख दर्द दूर करें। तो क्या खास दुआ रही आज को, क्योंकि महामारी चल रही है, क्या यही इस महामारी को दूर करने के लिए कृपा करें हम पर, कोई इसकी औषधि निकल जाए या इस पर हम पर कृपा करें, हम पर हम चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, सबके लिए अच्छाई ही हो। तो यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद होती थी इस बार कोरोना वायरस की वजह से नहीं, इस बार तो सब जगह यही हाल है, आपको पता ही है। तो ये हमारे पापकर्म होंगे जिसकी वजह से ऐसा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे जो आने वाला टाइम है वो अच्छा हो, ताकि हम ये फिर से त्यौहार वगैरह जो हम इस साल नहीं बना पाए आगे से फिर बनाएं, यही प्रार्थना है। तो इस बार यहाँ पर लोग नहीं आए तो क्या क्या मैसेज रहेगा एज ए कश्मीर पूरी दुनिया की? मैसेज यही है कि जो गवर्नमेंट का इस वक्त ला है, इस वक्त जो उनका गाइडलाइन है, उसी पर चलकर घर घर अपने घरों में ही बनाएं और घरों से ही प्रार्थना करें भगवान से। और जो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं वो टीवी के माध्यम से देखें, आजकल मोबाइल है, नेटवर्क है, उस माध्यम से भी आए लोग, जगह जगह सत्संग होगा, प्रोग्राम होगा, तो वो गाइडलाइन भी है मोबाइल में। आए थे दुष्टों का अपराध इन सबको मारने के लिए, भगवान कृष्ण ने आज जन्म लिया था। आज का दिन बड़ा अच्छा माना जाता है, आज का दिन एक आज के दिन व्रत रखा जाता है, जिन लोगों को आज रखना है वो आज रखते हैं, जिन लोगों को कल रखना है, दो दिन होते हैं। एक तो व्रत होता है, ये व्रत रखना ही और रखना होता है, ये भगवान का व्रत होता है। कृष्ण भगवान आज इस धरती पे आए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।